वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर भी ध्वजारोहण किया और प्रदेश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। 78वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। इस अवसर पर सत्य और अहिंसा के साधक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए भारत माता के उन महान सपूतों जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व देकर के इस लड़ाई को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देश के उन सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर देश की स्वाधीनता के दौरान देश के अंदर प्रथम स्वातंत्र समर से लेकर के उसके उपरांत भी भारत माता के लिए और उसकी स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों को, आजादी के बाद देश की इस आजादी को बरकरार रखने और देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले वीर सपूतों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज से 77 वर्ष पूर्व यह देश आज के दिन स्वतंत्र हुआ था। सैकड़ों वर्षों की पराधीनता का वकालखंड अचानक एक दिन में नहीं आया, एक लंबे संघर्ष के उपरांत, लंबे आंदोलन के उपरांत यह दिन हम सबको प्राप्त हुआ। आज का यह दिवस हम सबके लिए आजादी के उन नायकों महानायकों के सपनों को साकार करने का संकल्प का दिवस है। आज का यह अवसर भारत माता के उन महान सपूतों को स्मरण करने के साथ ही हम सबको उन संकल्पों के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान कर रहा है।